है जो इनकी भाभियां जो ढुमके लगा के मेरे बच्चों को बच्चों के नाम पे पैसे कमाते हैं, इनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि आपने एक गलत तरीका अपनाया। इंडिया से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अंसार बरनी साहब और जो है एडवोकेट मोहम्मद मलिक साहब, हमें इंडिया के लोगों से पूरा एतमाद है। बहुत सारे अच्छे हैं, बहन भाई हैं, जो लोग हैं चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को जिंदा करने के लिए अब भी लोग हैं। इंसानियत जिंदा है शायद भाई, कानून है, कानून से बढ़कर हम भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि हमारी कहानी का पता ही नहीं है। यकीन माने, हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो ताकि मोदी जी और योगी जी तमाम जो है हिंदुस्तान में जो आला इदारे हैं उन तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ हैं गुलाम हैदर भाई। हम कराची के एक पार्क में और हैदर भाई चूंकि कराची में है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो वैसे भी इनको रिलैक्स रखें और केस में जो कुछ पेशरफ्त होती है सुबह शाम आपको बताते हैं, तो वो भी प्रोग्रेस भी आपके सामने रखते हैं। अब जो तब्दीली नज़र आ रही है जो आप सब ने देखा वो यकीनी तौर पर आप लोग भी अप्रिशिएट कर रहे होंगे गुलाम हैदर भाई की उस जद्दोजहद को जो एक अरसे से जारी थी उनकी। और हमेशा हमने इनको ये कहा ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी कि हैदर भाई अगर आप पीछे हट गए तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आप जब डटे रहेंगे तो जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या वैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं या उसके बाद फिर कभी वो स्क्रीन पे नहीं आए फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर आप पीछे हट गए तो आपके बच्चे हैं तो बाहर हम कहें ना कहें इनको ये कहने की जरूरत भी नहीं है, ये डटे हुए हैं। और जब इनके साथ लोग नहीं भी जुड़े हुए थे तब भी ये जस्तजू कर रहे थे तो उसका नतीजा आपने देखा कि मीडिया अब बाकायदगी से खबर नशर कर रहा है। मीडिया जो इंडिया मीडिया खासतौर पर इनके लीगल नोटिस और उससे पहले जो मोहम्मद मलिक साहब ने इकदाम किए वो उन इंडिया मीडिया को रिपोर्ट करके यानी कि उनको जो है वो फोकस करके पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये चीज़ें रिपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। आज मुख्तलिफ अखबारों में वेबसाइट्स के ऊपर भी खबर लगी हुई है कि गुलाम हैदर के वकील मोहम्मद मलिक साहब ने क्या कुछ किया है, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर खबर लगी हुई है। हैदर भी एक तो ये है कि आपके जज्बे को आपकी हिम्मत को सलाम है, हम तो सलूट पेश करते हैं कि आपने वाकई अच्छा एक बाप होने के नाते आप उसका हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदर भाई इससे सवाल होता है, देखिए बहुत सारे सवालों के आपने बहुत दफ़ा जवाब दिए, चूंकि साथ रहते हुए मुनासिब भी नहीं लगता। बहुत सारे लोग जब हमें कुछ और सवाल करते हैं तो हम उनसे भी कहते हैं कि उनसे दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है, रिश्ता भी बन चुका है तो हमसे हमें ये हिम्मत नहीं होती। लेकिन सवाल लोग पूछते हैं कि आप उन बच्चों की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे चार बच्चे मेरे वापस मिल जाएं और मैं उनकी जाहिर हर किस्म का वारिस हूं, ये तो मैं अगर भूखा रखूं प्यास रखूं जैसा भी रखूं जो भी मेरी हैसियत होगी मैं उनको अच्छी तरबियत करूंगा, उनकी तालीम दूंगा, जो भी करूंगा, लेकिन कोई और वारिस नहीं है, किसी को हक भी नहीं है कि ये आपसे सवाल भी पूछे और यकीनी तौर पर नहीं है। लेकिन ये है कि वो पहले वाले बच्चे आपके क्या करते हैं, जो पहले दो बच्चे हैं आपके वो उनका रहन सहन कैसा है, वो उठते बैठते कैसे हैं, वो खानदान के साथ हैं, वो किधर हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल शायद भाई वो घर पे हैं, आपने देखे नहीं, वो तो मीडिया में आए भी है और बच्चों को मैंने दिखाया, बच्चे घर पे मदरसा भी पढ़ते हैं और स्कूल भी पढ़ते हैं सर। अच्छा जी जी, रहते आप रहते हैं अम्मी और अब्बू के साथ जी शुरू से लेकर, तो अम्मी ने कहा कि ये मेरी बेटी है, अब्बू ने कहा मेरा बेटा, अगर मेरी शादी था भी तो वो मेरे को बाप नहीं कहते थे। अच्छा। अम्मी को और अम्मी अब्बू को अब्बू अब भी कहते हैं, आप हैदर हो अब्बू तो हमारा ये अम्मी। जब आप घर जाते हैं तो आपको गले लगाते हैं चुमते हैं? हाँ ऐसे तो बिल्कुल मिलते हैं मगर अब्बू कहते हैं सख्ती से मना करते हैं, आप मेरे बच्चे हो। अच्छा। मेरी औलाद हो, आप हैदर को देखो भी नहीं। अच्छा। तो जैसे आप प्यार में होते हैं ना, जहर उनको पता हकीकी वाले तो आप है, जहर वो रिश्ता तो कोई खत्म नहीं होता, लेकिन ये की अटैचमेंट आपकी भी है आपके वालिदैन की साथ अटैचमेंट है, वो हंसी घर पे ही बिल्कुल माशाल्लाह। हमने वीडियो देखी थी, अच्छा लगा की बिल्कुल एक घर में जिस तरह आपने रखा हुआ है माशाल्लाह जबरदस्त। और हमारे जो दोस्त आपके उस इलाके में गए तो बच्चों से मिले भी हैं, हम आपके घर नहीं जा सके लेकिन ये कि लोग जो मिले उन्होंने भी बड़ी तारीफ नहीं आप भी आओगे इंशाल्लाह देखो इंशाल्लाह जो ताल्लुक बनाया। तो सीमा शुरू में कह रहा था, देख एक बच्ची के ऊपर भी इल्जाम लगा रहा था यार, 10 साल से कम एज है अभी भी कहता था शुरू में इसकी शादी हो गई, जब हमने देखा बोले शादी की मैंने नहीं कहा, इसकी निकाह हो गई। लेकिन आज जो आप रुलाने वाले थे आज वो खुद खून के आंसू रो रहे हैं। हाँ आज हमें भी खबर आया कि वो रो रहा था, मजीद रोएगा शायद भाई, अल्लाह की कसम जो मेरा दिल दुखाया, 7 से 8 माह यार मैं बाप बच्चों की मुस्तकबिल के लिए सऊदी अरब कमाने के लिए गया था, मैं अयाशी करने के लिए नहीं गया था, बच्चों की मुस्तकबिल के लिए गया था जो लिख सके पढ़ सके। यार मेरे उस टाइम भी जज्बात में गैरतमंद बाप था कि देखो रक्षा के साथ साथ ऑटो रक्षा चलाता था, मार्बल टाइल काम करता था ताकि मेरे बच्चे खुश रह सके। यकीन मानो मैंने दर दर की ठोकरें खाई, सऊदी में ऐसे पैसा पड़ा हुआ नहीं है जो बाहर मुल्कों में गए हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कितनी मुश्किलों के बाद जाके सऊदी अरब हैं जो पैसे देते हैं। 7 से 8 माह मैंने मुसलसल धक्के खाए, उनके बाद जहां मैं अच्छी रोजी पे लगा तो बच्चों को देखो सीमा को घर लेके दिया, सीमा कहा किसके नाम पे बनाऊं यार,
वारिस कौन होता है? बीवी होता है ना, चार बच्चों को पूरा मालिक। आज कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि आपकी गलती है, आपने उनको मालिक बनाया। मेरा उनसे सवाल है कि आप अपने बीवियों को मालिक नहीं बना देना फिर यार, जब प्यार की शादी है, चार बच्चों की माँ है, तो आप उस पे भरोसा नहीं करोगे तो किस पे करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बात तो आपकी वजह है। अच्छा, सवाल ये उठता है, देखिए ये सवाल है, हम इन सवालों के मौकफ की तायद नहीं कर रहे। मैं वाजे करना चाहता हूँ कि जो पॉइंट्स हैं कि बच्चे कहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, खाते पीते कैसे हैं, उन सवालों के मौकफ की तायद नहीं कर रहे, क्योंकि सवाल पैदा होते हैं, सिर्फ हम सवाल पूछ रहे हैं। हमारा जो मौकफ है वो जो गुलाम हैदर का मौकफ है, जो इनकी बुकला का मौकफ है, हमारा भी मौकफ वही है कि गुलाम हैदर का देखो मैंने एक सवाल किया था बच्चों को देख के कि यार जैसे बच्चे खेलते थे कूदते थे, मैंने कोई तैयार करके पॉलर पे तैयार करके नहीं लाए, जैसे खुदा की कसम बिल्कुल भी नहीं, जैसे अचानक क्या बच्चे घर पे थे, मैंने उनका ओ अम्मा या पता नहीं किसका नाम लिया मैंने, बच्चों को लाओ, जिस हाल में थे, खेल रहे थे कूद रहे थे, मैंने आपके रखा कि ये बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे दिल में होता मैं मीडिया के लिए उनको तैयार करता, जो रियल मसलन जैसे हाल में थे मैंने उनको ऐसे पेश किया, तो तमाम लोग जो है सीमा गलत सवाल उठा रहा था। बच्चे घर पे तो सिंपल जो सादगी में रहते हैं ना। आपने देखा कि वो तस्वीरें जो आप तक पहुंची, जो तशद्दुद के बाद फिर मेकअप करके उसके बाद फिर छुपाई, हाँ, जी जी ऐसा नहीं है, हम जेन्युइन जो भी दिखाते हैं सच। हाँ, लेकिन मारपीट को, तशद्दुद को, जख्म जो है चश्मा पहनाया जाता है उसको, मेकअप के नीचे नहीं छुपाते, जो रियल चीजें वो है। अच्छा, दूसरा सवाल आता है एपी सिंह साहब के ऊपर। शायद भाई एपी सिंह मत बोलो, एपी सिंह साहब भी मत बोलो, एपी टोपी सिंह बोलो, और मेरे ख्याल से उसका नाम भी मत लो मेरे सामने, आपके सामने नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नाम, नाम लेने का काबिल नहीं है, एक घटिया है, कमीना इंसान है। देखिए, एक सिलसिला ये हुआ कि जो मोमिन मलिक साहब ने लीगल नोटिस भेजा, वो उनको भी भेजा, तीनों को भेजा, तीनों के नाम आपको पता है, तीनों को लीगल नोटिस भेजा। मेरा सवाल उस पर है कि उन्होंने कहा कि देखें जो यूपी स्टेट की गवर्नमेंट है उसका जो कानून है, उस स्टेट के कानून के हिसाब से भी बच्चों को आप मुस्लिम को नॉन मुस्लिम नहीं बोल सकते, और किसी और की औलाद हो किसी और की औलाद नहीं बोल सकते, जो कुछ किया आज तक किस कानून और किस आधार के तहत आपने किया है, तो उस लीगल नोटिस को भेजने के अमल को आप किस तरह देखते हैं? मेरा सवाल ये था, मेरा ये नहीं है कि मैं आपको भड़काऊं जब मैं आपको कहूंगा जी एपी सिंह साहब और उसको सलूट करें, क्योंकि उसकी जो असलियत है वो दुनिया देख चुकी है उनको पता भी है, और हमें इसको इज्जत देने की जरूरत नहीं है, वो एक घटिया शख्स है। तो देखो यार, एडवोकेट के नाम पे एक काला धब्बा था, यकीन मानो जो उसका पर्दा फाश हो चुका है, हमारे मोमिन मलिक साहब ने उसको बेनकाब किया है, एक वो वकील है ही नहीं, एक कमीना या घटिया उसको आप बोल सकते हैं यार, चार बच्चे छोटे मासूम 10 साल से कम एज में, उनको जबरन नारे लगवाना, मजहब का खिलाफ करना, किस कानून के तहत? किसी कानून में नहीं है जी। तो बहरहाल ये बड़ा एक टिपिकल मामला था। दूसरा, अब चूंकि लीगल नोटिस भेजा गया है, आपको पता है कि कानूनी चाराजोई उसके खिलाफ भी हो रही है, ये तो सचिन और सीमा के साथ जो हो रहा है, अब उस वकील के साथ जो कि धर्म का और जो एक लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसके खिलाफ मैं बताता चलूं शायद भाई, ये देखो सचिन खुश ना रहे कि सजन का नाम नहीं है, पहले इन्वॉल्व सजन है, नित्रपाल है, एक बाबा बना हुआ है, जो इनकी भाभियां जो ढुमके लगा के मेरे बच्चों को बच्चों के नाम पे पैसे कमाते हैं, इनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि आपने एक गलत तरीका अपनाया, सिर्फ हैदर को बच्चों को आगे ले आना, अपनी मशहूरी बढ़ाना, इनकम बढ़ाना, ये क्या समझ रहे थे हम लावारिस हैं? ये देखो, गरीब मैं जरूर हूं, मगर अदालती मामलों में जैसे अंसार बनी साहब है या मोमिन मलिक साहब है, आप हम दिन रात जद्दोजहद किस लिए कर रहे हैं? मेरे नींदे उड़े हुए हैं कि मेरे बच्चे मेरे से दूर हैं, लगते जिगर घर से बाहर हैं, किस मुसीबत में है और किस मुश्किल का जो है सामना करना पड़ता है। एपी सिंह को मैं कहना चाहता हूं कि आपको कानूनी हिसाब से एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके बच्चों को अपने YouTube चैनल चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जिनके घर में खाने के लाले पड़े होते, फाके कर रहे थे, भूखे प्यासे मर रहे थे, अब वो गुलाम हैदर के बच्चों को सामने ला के अपने सोशल मीडिया को उन्होंने इनकम का एक आमदनी का जरिया बनाया, तो ये सिर्फ सचिन का घर नहीं है बल्कि अड़ोस पड़ोस के और भी लोग हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक खबर देता चलूँ लोगों को इस वीडियो के तवज्जो से, और ये वीडियो इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के चैनल पर भी अपलोड होगी। सिलसिला ये है कि मोमिन मलिक साहब ने इनके तमाम के YouTube चैनल बंद कराने के लिए पुलिस को भी, जज को भी, और इवन के तमाम जो हुकूमत के गवर्नमेंट के इदारे इंडिया के, उनको लेटर लिखे हैं। तो ये जो तुम लोगों की आमदनी हो रही है ना बच्चों को दिखा के गलत उनका इस्तेमाल करके, वो दुकानें सारी बंद होने वाली हैं, बंद होने वाली है, और इनका एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे बच्चों को यूज करके पाकिस्तान खिलाफ नारा लगा के इस्लाम तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा, अपना TRP हासिल करने के लिए, अपना इनकम बढ़ाने के लिए, यार इतना कोई घटिया हरकत शायद भाई कर सकते? बिल्कुल
हम कोशिश करते हैं वीडियो मुख्तर हो। एक चीज है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी गुलाम हैदर साहब कुछ नहीं होगा, दूसरी जाके शादी कर लो बच्चे और वो पालो जाके, कुछ नहीं होगा। देखें आपके वकला, आपके कानूनी माहरीन, आपकी जो कानून की किताब है, जो आपके मैं इंडिया से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अंसार बनी साहब और जो है एडवोकेट मोहम्मद मलिक साहब, हमें इंडिया के लोगों से पूरा एतमाद है। बहुत सारे अच्छे हैं, बहन भाई हैं, जो लोग हैं चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को जिंदा करने के लिए अब भी लोग हैं। इंसानियत जिंदा है शायद भाई, कानून है, कानून से बढ़कर हम भी नहीं है, वो भी नहीं है। जो अदालत का फैसला होगा वो सर आंखों पे मंजूर है, कौन सच और कौन गलत ये तो अदालत तय करेगा ना, वो कौन होता है एपी सिंह फैसला लेने वाला जो, या सीमा कौन होता है। जो भी मसले हैं अदालत पे हमें पूरा विश्वास है, मोदी जी है, योगी जी है, जो भी अदालतों से जो वकील साहब होंगे, जज साहब होंगे, हमें पूरा इत्माद है और मैं पुरसकून हूँ। फैसला मेरे हक में है, गलती मेरे से, उन्होंने पूरा जो है ना नाइंसाफी मेरे साथ किया हुआ, मैं मजलूम बाब हूँ। बिल्कुल, कहने का मकसद ये है कि लोग हमें कहते हैं ना जी कुछ नहीं होगा गुलाम हैदर साहब, कुछ नहीं होगा गुलाम हैदर, तो पहले दिन आपका जो कानून है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मुझे अदालती निजाम के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि जो आपके जो कानून है उसकी जो तशरीह करते हैं, जो लोग आपके कानून के बारे में बताते हैं वो बताते हैं जी गुलाम हैदर के साथ जुल्म हुआ है उस कानून के तहत भी, तो अगर उसके बावजूद, इस कानून के बावजूद अगर गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप अपने संविधान के ऊपर, आप संविधान के रखवालों के ऊपर, कानून के ऊपर, कानून के रखवालों के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं जी, आपके जो कानून और कानून के रखवाले थे ना, उन्होंने गुलाम एक मजलूम बाप के साथ, गुलाम हैदर के साथ इंसाफ नहीं किया। ये फिर आपका कानून, आपका जो आधार, आपका जो संविधान है वो जो है असल मुजरिम वो होगा, गुलाम हैदर मजलूम को नाइंसाफी नहीं होगी। वो ये नहीं कहेगा कि जी मैंने कोशिश नहीं की और मुझे इंसाफ नहीं मिला। बेसिकली आपको उस पर सवाल उठाना चाहिए, अगर इस काबिल नहीं आपका कानून के किसी मजलूम को इंसाफ दे सके तो वाकई फिर वो कचरादान में आप कूड़ेदान में फेंके, फिर उस कूड़ेदान के तहत ही है, बाकी वो किसी को इंसाफ नहीं मिला सकता। तो ये बात आप सबको ये याद रखनी चाहिए कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर आप समझें, क्योंकि आप अपने ऊपर उंगली उठाते हैं कि आपका संविधान ऐसा है कि वो कूड़ेदान के बराबर है, वो किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। हम नहीं कह रहे, हमें तो भरोसा है, यकीन है कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस कानून के बावजूद भी गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आपके कानून के ऊपर आपको उंगली उठानी चाहिए, ना कि गुलाम हैदर या उनकी कानूनी टीम के ऊपर उंगली उठाएं। तो हैदर भाई वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर साथ हैं। जी जी बिल्कुल, जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, इंसानियत को साथ और जिंदा रखने वाले को यही मैसेज है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें आला इदारों तक, जहाँ तक हमारी आवाज नहीं पहुँच सका उन लोगों तक पहुंचाना हर माँ बहन बेटी और भाइयों का फर्ज है इंसानियत के नाते। हमारी आवाज़ बने, आवाज़ को आगे से आगे तक शेयर करें ताकि उन लोग, जिस बहुत सारे लोग हैं कि हमारी कहानी का पता ही नहीं है, यकीन माने हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो ताकि मोदी जी और योगी जी तमाम जो है हिंदुस्तान में जो आला इदारे हैं उन तक पहुंचे और मेरे को इंसाफ मिल सके। सर उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे जो ATS ने 8 महीने पूरे होने के बावजूद इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे कि कानून होने के बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर चर्चे हैं, बच्चों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मजहब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, बहरहाल इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है तवक्कुल भी है और आप सबका साथ इंशाल्लाह साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह वीडियो को एंड अप करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।